चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए। घर में झगड़े हो या कारोबार पर, वो हर चीज़ को बेबरकत कर देती है, खैर उठ जाती है। इसलिए हमें ये करना है कि हमें अपनी ज़िंदगियों को बाबरकत रखने के लिए झगड़ों से बचना है। हमें लड़ाइयाँ नहीं करनी। जब हम रात को रोने के बाद, अल्लाह से हज़ारों शिकवे करने के बाद गाफिल सो रहे होते हैं, तो सुबह का सूरज तुलू होता है। हर सुबह वो हमें कुदरत का पैगाम देता है कि अंधेरे छट जाया करते हैं, हर रात के बाद रोशनी ज़रूर आती है। जिस दिन बहुत हब्स हो तो उसके बाद बारिश और आंधी आ सकती है, वो भी अल्लाह की निशानी है कि शदीद घुटन के बाद अल्लाह अपनी रहमत ज़रूर भेजता है। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो वो भी ज़मीन व आसमान के दरमियान मौजूद हर चीज़ है यहाँ, फिर हर एक को क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हर एक उनको तलाश नहीं कर पाता, हर शख्स हिम्मत नहीं करता, हर इंसान ज़िंदगी को उसकी पूरी सलाहियत के साथ नहीं जी पाता। कुछ लोग बस अपने दायरे से ही नहीं निकल पाते, वो दुनिया को तस्खीर करने का सफ़र शुरू ही नहीं कर पाते। वो समझते हैं कि दुनिया उनके लिए है ही नहीं, वो अपनी ज़ात की महरूमी को देखते रहते हैं। हम मुसलमान लोग हैं, हम बुतों को नहीं पूजा करते, हम इंसानों को ही पुकारते हैं, या चीज़ों को या वसाइल को पुकारते हैं। हम रुपये पैसे या ताल्लुकात पर भरोसा करते हैं, और यही वो काम है जो हमने नहीं करना, क्योंकि अल्लाह के सिवा जब आप किसी पर मुकम्मल भरोसा करते हैं